कैसन है भाइयों, आप ठीक हैं? अच्छा, तो ऐसा है कि जंग वंग जो होती है वो ऐसे नहीं लड़ते हैं जैसे मोदी कर रहा है। अरे ये कैसन का फोन है, कौन है? हेलो हेलो, कौन बा? हम तो ठाकुर बिहारी इलाहाबादी बात कर रहा हूँ, अपना परिचय तो कराइए हुजूर। अच्छा, अरे स्वागतम स्वागतम हुजूर स्वागतम। आज कैसन कष्ट काटा हमरे साथ बात करने का। आप तो चुनाव जीत कर ऐसे गायब हुए कि नजर भी आने से रहे। हम तो सोच रहा था कि कहीं गंगा की मौजों में आप दुष्ट हो गए हैं। आखिर ठहरे ना आप मोदी के मित्र? हाँ जी, अभी थोड़ा समय पहले ही मोदी से बात हुई है। तो बात करते करते हमको टीवी की आवाज़ आई, तो हमने उनसे कहा कि न्यूज देख रहे हैं क्या? तो मोदी कहने लगे कि न्यूज नहीं देख रहा, न्यूज देखने से तबीयत खराब होती है, मैं तो ये मोटू पतलू कार्टून देख रहा हूँ। देखिए भाई, बात यह है, मोदी जब भी स्वस्थ नहीं रहता ना तो हमरे साथ काल करता है। अरे भाइयों, हम तो लाख बार बोला हूं मोदी को कि पाकिस्तान के साथ पंगेबाजी मत करो, लेकिन वो बाज नहीं आता। अभी कल ही पाकिस्तान ने दो जहाज क्या गिराए हैं। मोदी जी रात भर लेटरिन में रहे, पेटवा खराब है, कुछ हजम नहीं हो रहा, कैसन हजम होगा? हम तो मोदी को बताया हूं कि चुनाव जीतने के लिए कोई दूसरा भेस करो भाइयों। ये जो तुम सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया है ना, इसको तो मेरे भेजे के हिसाब से ये सर्जिकल नहीं, फ्रॉडिकल स्ट्राइक है। और फिर तुमने सर्जिकल स्ट्राइक की, मेरे भेजे के हिसाब से ये टमाट्रिकल स्ट्राइक है। सुन रहे हैं का? आवाज तो बराबर आ रही है ना? ये फ्रॉडिकल, ये सब्जिकल, ये टमाट्रिकल स्ट्राइक ठीक नहीं है। अरे भाइयों, ड्रामेबाजी बंद करो। अपने देश के बारे में विचार करो, समझे? तुम मुसलमानों का वोट के सहारे सियासत के सिंहासन पे बैठकर जो सूरमा बन गए हो, सारी दुनिया जानती है। 2002 में गुजरात में कितना बड़ा जुल्म किया तुमने, कितना बड़ा जुल्म किया अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए। देखो, मोदी को मैंने चुनौती दी कि याद करो तुम्हारे बाप दादा सरसों तारा मीरा उसका तेल निकाल कर जो है वो धंधा करते थे। तुम वहाँ से निकले हो, फिर तुम्हारे पिताजी ने रेलवे स्टेशन पे चाय का ढाबा निकाला, तुम स्कूल से वापस आकर वहाँ चाय बांटते थे। फिर तुमने अपना ढाबा निकाला, पढ़ाई वढ़ाई किया, ऊपर आए। अभी देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम समझ नहीं आती तुमको? तुम्हारे हिंदू धर्म के हिसाब से तुम लोग थर्ड क्लास में माने जाते हो। जी, तेलवा तुम निकालते थे ना? कुछ अपने बारे में विचार करो, कुछ जनता के बारे में विचार करो। जो गोला बारूद तुमने खरीदा है, जो गोला बारूद तुमने खरीदा वो भी थर्ड क्लास है तुम्हारी तरह। मोदी कहने लगा कि हमारे जवान फायर करते हैं तो वो गोली मुड़ के अपने ही जवानों को लगती है। तो मैंने उससे कहा कि बात यह है कि तुम्हारी गोली का तो पता नहीं कि वो कहाँ जाती है। पाकिस्तान से पंगेबाजी मत करो मोदी जी, बाज आ जाओ बाज। तो बात यह है कि वो बाज नहीं आता है। तो मैंने उसको बोला कि पाकिस्तान को क्या नेपाल, भूटान, मालदीव और बांग्लादेश समझ रखा है का? हाँ, क्या समझ रखा है तुमने? पाकिस्तान तुमरा वो हसर करेगा कि फिर से नेतागिरी तो दूर की बात, प्राइम मिनिस्ट्री तो दूर की बात, फिर से रेलवे स्टेशन पे चाय का ढाबा खोलने भी लायक नहीं रहोगे। बस ये बातें करते करते मोदी जी फिर से लैट्रिन भाग गया। मोदी के भेजे में एकाई बात रहती है, बस एकाई बात मोदी के भेजे में रहती है कि सारी जनता मर जाए सारी जनता, अपन को तो बस प्राइम मिनिस्टर बनना है, नेता बनना है।
तो मैंने उससे कहा कि भाई बात यह है कि विचार की बात यह है कि जब जनता ही नहीं रहेगी हैं तो तुम नेतागिरी और प्राइम मिनिस्ट्री क्या मोटू और पतलू पे करोगे। थू है तुम्हारे भेजे पे, थू है तुम्हारे थोबड़े पे। हैं पाकिस्तान से पंगे बाजी मत करो, बाज आ जाओ। हेलो हेलो, आप भी भाग गए का? आखिर आप भी हुए ना मोदी के मित्र। हद हो गई यार।